अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी ज़रीना यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून सो फ्लार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही आसान बहुत मज़ेदार बीफ दाल कोफ्ते की रेसिपी, बहुत ही आसान बहुत मज़ेदार। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। हम ये लेंगे, दाल मैं लूंगी सारी दालें दो दो कप, दो कप चने की दाल, दो कप माश की दाल, दो कप मसूर की दाल, दो कप ही लेंगे हम मूंग की दाल। इन चारों दालों को हम भिगो देंगे 4 से 5 घंटे तक, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। दाल हमने भिगो दी थी माशाल्लाह, 4 से 5 घंटे हो चुके हैं इसे भीगे हुए। और मसाले ये हैं, बीफ हमने लिया है माशाल्लाह 4 किलो, थोड़ी बहुत इसमें जो चर्बी है वो निकाल देंगे, पतली पतली कोई हड्डी होगी वो भी निकाल देंगे। खुश्क मसाले ये हैं, गोल मिर्च साबुत 50 ग्राम, साबुत धनिया 50 ग्राम, ज़ीरा 50 ग्राम, जायफल जावित्री 1-1 चमचा, ये दालचीनी के 2-3 टुकड़े, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 7-8, हल्दी 1 चमचा, काली मिर्च साबुत 50 ग्राम, हरी मिर्च 50 ग्राम, लहसुन 50 ग्राम, अदरक 50 ग्राम, नमक हसबे जायका। इन सब मसालों को हम कीमे में ही पीस लेंगे। इससे पहले हम चॉपर में खुश्क मसाले पीस लेंगे। दाला हमने पीस लिया है, अब हम बीफ का कीमा बनाएंगे। कीमा हमारा माशाल्लाह देखिए बिल्कुल पिस चुका है, मुलायम हो चुका है ये। अब हम ये सारा सामान मिक्स कर लेंगे, मसाला दोबारा से इसमें मिक्स कर लेंगे। कीमा और मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दाल पीस लेंगे। बीफ और मसाले हमने पीस लिए हैं, ये थोड़ी सी हमने दाल भी पीस ली है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है हमारी दाल, ना ज़्यादा बारीक और ना मोटी दानेदार। कुछ हमने पीस लिया है माशाल्लाह, दालें मसाले कीमा सब कुछ हो गया है। इसमें से हम 3 डिशें बना सकते हैं, यानी कि 3 रेसिपी, खुश्क बढ़िया जो हम साल के बजाय 1.5 साल तक रख सकते हैं, भाप बढ़िया और कोफ्ते भी इसमें से बन सकते हैं। आज हम इसमें से कोफ्ते का सालन बनाएंगे, थोड़ा सा लेकर ये मसाला, सब कुछ मसाले तो इसमें मिक्स हैं ही, ये भुने हुए प्याज हम इसमें मिक्स करके जूसर में पीस लेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए हम ये बड़े वाले 2 चमचे मिक्स करेंगे मकई का आटा, से हमारे कोफ्ते बहुत ही मज़बूत और जायकेदार बनेंगे। कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए हमने ब्राउन प्याज डाल लिए हैं इसमें, साबुत मिर्ची, कुटा हुआ धनिया 1 चमचा, ज़ीरा 1 चमचा, जायफल जावित्री आधा आधा चमचा, दही 1 पाव, मिर्च 4-5, काली मिर्च 1 चमचा, पिसी हुई मिर्च 1 चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चमचे, ये सब सामान हम जूसर में पीस लेंगे। अभी के लिए मसाला हमने पीस लिया है, अब हम ये मसाला भून लेंगे। इस तरह से हम कोफ्ते बना लेंगे,
थोड़ा थोड़ा सा हाथ पे पानी लगाकर ताकि ये चिपके ना। कोफ्ते हमारे माशाल्लाह सारे के सारे बन चुके हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। बीफ कोफ्ते दाल के साथ माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेंगे हमारे। इसी तरह से हम सारे कोफ्ते फ्राई पैन में रख लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इन्हें हिलाएंगे नहीं। इस तरह से पैन को हिला लेंगे, कोफ्ते हमारे भून जाएंगे। देखिए माशाल्लाह ब्राउन होना भी शुरू हो चुके हैं हमारे बीफ और दाल के कोफ्ते। माशाल्लाह ये देखिए 1 से 2 मिनट में ही कोफ्ते हमारे ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह। इस तरह से हम इन्हें घुमाते रहेंगे ऊपर नीचे से, ये अच्छी तरह भून जाएंगे। कोफ्ते हमारे माशाल्लाह इतने सख्त हो चुके हैं, भून चुके हैं। बेफिक्र होकर आप इसमें अभी चमचा हिला सकते हैं माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत हमारे कोफ्ते माशाल्लाह बीफ और दाल के तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार। इस तरह से हम सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। कलर लेकर आए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। एक चूल्हे पे हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं, दूसरे चूल्हे पे हम मसाला भून लेंगे। ग्रेवी का मसाला हमने सारा ग्रेसर पे पीस लिया है ताकि इसमें कोई भी चीज़ साफ नजर ना आए, अच्छी तरह से गर्म मुलायम हमारा मसाला बन जाए। माशाल्लाह ये कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे के सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। मसाला भी हमने भूनने के लिए रख दिया है। माशाल्लाह मसाला हमारा भून चुका है, इसमें कोई भी चीज नजर नहीं आ रही साबुत। अब हम इसमें पानी डाल देंगे ग्रेवी बनाने के लिए। ज़्यादा शोरबा हमने इसलिए रखा है क्योंकि कोफ्ते भी हमारे पानी पियेंगे और इसमें गलाने भी हैं हमें। फुल आंच पे हम शोरबा पकाएंगे, उबाला आते ही हम अपने कोफ्ते मिक्स कर देंगे। पानी हमारा उबल चुका है, अब हम इसमें कोफ्ते मिक्स कर देंगे। 20 से 25 मिनट तक हम पकाएंगे हल्की आंच पे ताकि कोफ्ते हमारे कच्चे ना रहें, अंदर तक अच्छी तरह गल जाए। 20 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं हमारा सालन माशाल्लाह। ये देखें दाल बीफ कोफ्ते हमारे माशाल्लाह वैसे के ही वैसे साबुत हैं माशाल्लाह, टूटे फूटे नहीं हैं बिल्कुल भी। सालन हमारा पक चुका है, अब हम उतार लेंगे। माशाल्लाह कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम निकाल लेंगे। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी बीफ दाल कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। बीफ दाल कोफ्ते की रेसिपी हमारी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की हमारी बीफ दाल कोफ्ते की रेसिपी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।